उत्तर प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में नई नई योजनाएं व जागरूकता कार्यक्रम चलाती रहती है। इसी क्रम में कृषि विज्ञान केंद्र, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को कीटनाशकों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में अवगत कराया गया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि विधायक राजीव तरारा ने किसानों से आह्वान किया कि वे वैज्ञानिक परामर्श के आधार पर कीटनाशकों का प्रयोग करें, जिससे उन्हें स्वयं एवं मृदा और फसलों को नुकसान न पहुँचे। जो अपनी कृषि में अपनी फसल में हम अनावश्यक कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, उस सब की मात्रा संतुलित कैसे हो, इस सब के विषय में जागरूक करने के लिए जो आज हिल इंडिया लिमिटेड ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अपने कृषि विज्ञान केंद्र के जो यहाँ के संचालक हमारे विश्वविद्यालय के निदेशक, आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहां हमारे किसान भाइयों को, बहनों को, सम्मानित जनों को बुलाकर उनको जागरूक करने का जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। इस दौरान उन्होंने केंद्र व प्रदेश में संचालित भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हितार्थ चलाई जा रही योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ के प्रसार निदेशक डॉक्टर पीके सिंह ने खाद्यान्न फसलों, सब्जियों एवं फलों में सुरक्षित रसायनों के उपयोग के प्रति किसानों का मार्गदर्शन किया। हिल इंडिया के CMD कुलदीप सिंह ने किसानों से आह्वान किया कि वे कृषि केंद्र के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में खेती करेंगे तो निश्चित ही फसल अच्छा उत्पादन देगी। उन्होंने हिल इंडिया द्वारा किसान हित में संचालित क्रियाकलापों के बारे में रूबरू कराया। कार्यक्रम संयोजक मुकेश नरवाल व हिल इंडिया के एरिया मैनेजर कमल सिंह ने भी किसानों को जानकारी दी। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर AK मिश्र ने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कीटनाशक पदार्थ का छिड़काव करते समय किसानों को अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, साथ ही कीटनाशक पदार्थ किस अनुपात में और किस अनुरूप डालना चाहिए ये भी समझना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कीटनाशक पदार्थ डालने से नुकसान होता है। वहीं कीटनाशक का छिड़काव करते समय बीड़ी तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए और आँखों का भी बचाव करना चाहिए। इस दौरान ड्रोन की मदद से खेतों में गेहूं की फसल पर छिड़काव करके भी दिखाया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।